अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज इतने दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो क्या आप सब लोग मुझे मैसेज करते हैं कि कहाँ हो, तबीयत ठीक है? हाँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं खुद ही ब्लॉग नहीं बना रही थी, बिकॉज जब मैं नहीं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ तो जो लास्ट वाली होती है उनको देखना छोड़ देते हैं। इसलिए फिर मैंने कहा था जब 100 हो जाएंगे व्यूज़ तो फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, तो इसलिए सो सॉरी। तो अब मैं जा रही थी डॉलर स्टोर, वहाँ से मुझे लेने थे डिस्पोजेबल बर्तन, क्योंकि हमारे घर में है कल वन डिश पार्टी, सो उसकी तैयारियों में लगी हुई हूँ। सो अभी जाती हूँ डिस्पोजेबल बर्तन लेके आती हूँ और उसके बाद घर जाके जो प्रिपरेशन कर रही हूँ कल की वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मौसम बहुत अच्छा है और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चले अब आपसे डॉलर स्टोर में मिलते हैं। मैं यहाँ पर खड़े होकर अपनी बस का वेट कर रही हूँ, सो बस में जाएंगे आज हम डॉलर पे। मेरी बस आ गई, तो अब हम रोकते हैं इसे और जाते हैं। बस से और क्रॉस द स्ट्रीट है हमारा डॉलर स्टोर। तो जस्ट ये 5 मिनट में पहुंचा था, अभी पैदल आओ तो फिर इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा आज हम बस पे चले जाते हैं। सो वो रहा क्रॉस द स्ट्रीट हमारा डॉलर ट्री। बैग ने तो स्पीड ही मारी है, धड़म करके निकल गया। और अब हम चलते हैं अपनी शॉपिंग पे, सो लेट्स गो। क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो रही हैं और ये लगे हुए हैं डेकोरेशन, डेकोर करने के लिए ऑल ओवर क्रिसमस। ये देखिए, ये भी क्रिसमस क्रिसमस। चलें, ये आ गए हमारे डिस्पोजेबल बर्तन। चलें जनाब, मैं यहाँ से ले लूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। कितने कलरफुल से कलर्स हैं, ग्रीन, रेड, पर्पल, पार्टीज वाले कलर हैं सब। हम देखते हैं कि कौन सा चाहिए। ये जनाब, तो मैं घर वापस आ गई थी और आके ये यहाँ पे बन रहा है मेरा कस्टर्ड। और यहाँ पे डो तो मैंने जो है वो सुबह बनानी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शूट नहीं किया था, लेकिन अब मैंने इसको पैन में जो है वो सेट कर दिया है। 3 पिज्ज़े बना रही हूँ, चिकन टिक्का पिज्ज़ा, और यहाँ पे जो है वो चिकन चाहिए। रात के खाने के लिए मैंने आलू की भुजिया बनाने लगी, तो इसलिए मैंने आलू बनाए। कस्टर्ड की जाली रेडी हो चुकी है और 6:18 और ये कल की तैयारी में कर रही हूँ, ताकि ये कस्टर्ड वगैरह जो है मैं रात में बना के रख दूँगी, ठंडा होगा, फिर इसके अंदर जो है क्रीम श्रीम मिक्स करेंगे। तो ये सारे काम जो है मैं आज ही कर लूँगी, क्योंकि कल 5:30 बजे का टाइम है, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये पक रहा है जो है वो टॉपिंग शॉपिंग सब कुछ रेडी करके जो है वो आज ही मैं रख दूँगी, और बस कल जो है फिर हम ओवन में डालेंगे। तो आपके वो भी देखें, यहाँ पर मैंने पूरे फुल पिज़्ज़ा को जो है ना वो रेडी करके टॉपिंग वगैरह करके सब 3 पिज़्ज़े पर सेम चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है टॉपिंग करके पैन के अंदर सेट करके इसके ऊपर मैं फॉइल लगा दूंगी और फिर इसको फ्रिज में रख दूंगी, और कल जब मुझे बेक करने होंगे तो उसे 1 आवर पहले हम इसको निकाल लेंगे, ताकि ये अच्छे से डिफ्रोस्ट हो जाए, फिर ओवन में जाए और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो जाए। जनाब, हमारे 3 जो है वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो लार्ज साइज के रेडी होने वाले हैं। ये हमने टॉपिंग शॉपिंग करके जो है इसको फ्रिज में रख देंगे और कल इसको हम बेक करेंगे। यहाँ पे ये हमारा ट्राइफल भी रेडी है और बेरीज जो है वो मैं इसमें सुबह डालूंगी, अभी नहीं है मेरे पास, वो लेट आएंगी, तो बाकी ये ऊपर सुबह डाल देंगे। तो ये और नाइस, हमारी झटपट वाली जो है आलू की भुजिया और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ रेडी हैं। आ जाएं जिसने आलू की भुजिया खानी है, अब बारी आती है चिकन ट्राइफल। हो गया मेरा
मेरा पुलाव का तड़का रेडी स्टडी। साथ में मैंने यहाँ पर टेबल की भी थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली है, सो कल मुझे इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कल दिखाऊंगी आपको। ये है कॉफ़ी वाला, यहाँ सबस चाय जो बना के रखनी है वो इधर रखेंगे। सो ये भी हो गया रेडी। हाँ जी जनाब, तो ये हो गई है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग, जो है आज पार्टी वाली मॉर्निंग। सो ये तो आपके सामने मैंने रात को पुलाव का तड़का लगा लिया था। यहाँ पे बन रही है मेरी कलेजी और यहाँ पे बन रही है चाय। हाफ जो थी ना वो टेबल सेटिंग कर ली थी और बाकी जो है अब आज ही करूँगी। फिर ज़्यादा ईजी हो जाता है इतना फिर काम करने की, वो लाइक हेल्पिंग हैंड हो ना आपके पास, तो फिर उसी टाइम कर देते। लेकिन इसलिए मैं पहले कर लेती ताकि मुझे एंड टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हमारे पॉपकॉर्न्स भी रेडी हैं और ये हमने कॉफी और सबस चाय वाला है तो ये भी रेडी है। हाँ जी जनाब, तो मेरी टेबल जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बस यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बेक करके रख दूँगी। बाकी ये मैंने पाइनएप्पल एंड स्वीट कॉर्न वाला, वो स्वीट पोटैटोज, पॉपकॉर्न्स और ये तो नॉर्मल सैलेड है। बाकी ये कुकीज़ और वो चटनी, वो चना चाट और बाकी जो है वो पिज़्ज़ा इसमें रख देंगे। बाकी आ जाएंगी चीज़ें तो वो लगा देंगे। बाकी ऑल इज सेट टू। ओहो, एक तो इसमें मुझे बड़ा तंग किया। चलो खैर, ये तो फिक्स करती हूँ, उसके बाद अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। सो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं रेडी और वहाँ पर जो है वो बातें कर रहे हैं, हाफ लोग आगे, आधे लोग आगे और आधे भी आ रहे हैं। सो मैं रेडी हूँ। बारी आती है पिज़्ज़े को बेक करने की। सो ओवन प्री हीट होता है तो फिर हम उसमें डालते हैं अपना ये पिज़्ज़ा। और ये रहा यहाँ पे मेरा पुलाव का पतीला जो है वो रेडी हो गया। अभी सब नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। रिफ्रेशमेंट हो गई है, सब नमाज के बाद खाना। कोई नहीं, ना अल्लाह के मोहम्मद रसूल अल्लाह, कोई अल्लाह क्या, जनाब यहाँ पे हो गई है हमारी पार्टी खत्म और सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पे जाने लगी हैं। और ये मेरे बराबर में मेरे साथ जो है वो गाते गए बस। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी सारे धुल गए हैं, लास्ट में चाय वाला थर्मस वगैरह रह गए हैं, अब इसको करते हैं वॉश। फिर यहाँ पे हो गए हैं 10:30 और ये बस चावलों वाला पतीला है जो धुलने वाला है। पे जो है हमारा पार्टी सीन जो है वो ख़त्म हो गया है, सारी चीज़ें अपने ठिकानों पे पहुंच गई हैं, सब कुछ क्लीन हो गया है और 11 बज गए हैं। बस अब इसके साथ अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। आप सब लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।